नाजिन उमरकोट के डॉक्टर शाह नवाज के जाली पुलिस मुकाबले में मारे जाने का मामला जो है बहुत ही ज़्यादा हसास है इसकी हसासियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज्तर रोज जो है वो सिंध हकूमत की दरख्वास पर में डिवीज़न ने डी आई जी मीरपुर खास जावेद जस्कानी और खुद मीरपुर खास के एस एस पी असद चौधरी के मत्ली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, द आवामी शो एक बार फिर खबरों की दौड़ में दूसरों पर सबकत ले जाने में कामयाब हो गया मामला बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और गुज्त रोज जो इतला मिली है कि खुद उमरकोट के एस एस पी आसिफ बलोच की सरबराही में पुलिस पार्टी ने डॉक्टर शाहनवाज की लाश को आग लगाने के इल्ज़ाम में कोई चालीस से जायद बलवाइयों को जो है वो हिरासत में ले लिया है और दूसरों की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है ये भी इतला मिली है कि डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में हलाक करने के जुर्म में खुद डी आई जी खास जावेद जस्कानी एस एस पी मीठू खास असद चौधरी के अलावा सी आई ए के डी एस पी इनायत जरदारी और ख़ुद सिंडी थाने के एस एच ओ न्यास कोसो और उनके दूसरी पूरी पुलिस पार्टी जो इस जाली पुलिस मुकाबले में शामिल थी उन सब के खिलाफ जो है वो कत्ल की एफ आई आर दर्ज करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए और जल्द ही जो है ये न सिर्फ मुकदमा जो है वो सिंदड़ी थाने में इन्हीं पुलिस अफसरों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा बल्कि इन तमाम की उसमें गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी और इसके साथ साथ इन तमाम के बरतरफियों के परवाने भी जो है वो तैयार पड़े हैं किसी वक्त उनकी भी जारी किए जाने का इम्कान है नाती मैं हनीफ दवाई और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी शोर एक नए चौका देने वाले अंदाज में गुस्ताख़ रसूल जो है हम भैसेत मुसलमान जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने प्यारे नबी वसम की गुस्ताखी जो है वो नाकबिल बर्दाश्त थे और ऐसे सरफिरों के खिलाफ ऐसे जनूनीों के खिलाफ ऐसे कुफ्र करने वालों के खिलाफ यकीन हम तमाम मुसलमानों के दिल जो है वो मचलते हैं हम जज्बात से बेकाबू हो जाते हैं कि हम इनके खिलाफ कुछ भी करने को हर वक्त तैयार रहते हैं लेकिन कानून अपनी जगह अपना रास्ता खुद तलाश करता है कानून को मुश्तल नहीं होना चाहिए इस पूरे सारे मामले में जो डॉक्टर शाहनवाज का जो जाली पुलिस मुकाबले में जो मारे गए हैं इस तमाम तर मामले में जो है हमें पुलिस जो है वो इसमें पूरी तरीके से फरीक दिखाई दे रही है आवाम का मुश्त होना एक फितरी अमर है कोई भी मुसलमान जो है वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त ही नहीं कर सकता वो उसका तस्वर भी नहीं कर सकता लेकिन पुलिस को जो है वो इसमें बेजरर होना चाहिए था पुलिस को तो बिल्कुल उस पिस्टल का किरदार अदा करना चाहिए जिस तरीके से पिस्टल चलाने वाला तो मुश्किल होता है लेकिन कभी असला जो है उसको किसी ने मुश्तल नहीं देखा तो पुलिस एक सरकारी मशीनरी है पुलिस को हर काम जो है आइन और कानून और अपने पुलिस रूल तज़ीरत और जब फौजदारी के अंदर रहते हुए करने की ज़रूरत है लेकिन इस पूरे वाक़े में जो है हमें पुलिस जो है अपनी बाउंड्री लाइन जो है वो क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है और आवाम से ज़्यादा मुश्तल जो है हमें खुद हमारी मीरपुर खास पुलिस इसमें दिखाई दे रही है मीपुर खास से हमारे नुमाइंदा खसूस अमीन रंगून वाला ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल बहुत ही संगीन है मामला जो इस वक्त सामने आ रहे हैं इससे तो ऐसे ज़ाहिर होता है कि पुलिस के बड़े अफसरान जो है पहले ही जहन बना चुके थे डॉक्टर शाहनवास को जहन्म वासिल करने का कहा यह जा रहा है कि खुद मकतूल ने जो है जब उससे पता चला कि उनके अकाउंट से किसी ने जो है वो बहुत ही गुस्ताखाना किस्म की जो है वो वीडियो तस्वीर वायरल की है तो उस पर उन्हें पता चला कि अब उनके लिए मसला हो गया आ, खुद उमर उमरकोट में तो वो उमर उमरकोट से अपनी जान बचाते हुए निकल कर, कर कराची चले आए जब पता चला कि उनके ख़िलाफ़ जो है खुद तालका उमरकोट थाने में जो है वह एक एफ आई आर भी दर्ज हो चुकी है दो सौ पचानवे बटा सी की तो वो उस पर जो है वो केंट स्टेशन के करीब होटल में ठहरे हुए थे और तो वहीं से उन्होंने अपनी वीडियो भी एक रिकॉर्ड करवाई वायरल भी कराई और खुद पुलिस को उन्होंने फ़ोन किया कि मैं फ़लाने होटल में ठहरा हूँ यानी कभी कोई मुलजिम रूपोशी में किसी को पुलिस को बताया गया तो अपने घर वालों को नहीं बताया कि मैं कहाँ छुपाऊँ लेकिन उसकी नादानी कहें या उनकी सीधापन कहें या उनका जो है वो इस मामले से बिल्कुल उसका ला लातालुक का कहें कि बिल्कुल बेकसूर है इसमें कि उन्होंने खुद पुलिस को बता दिया कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ यानी दूसरे मानों में उन्होंने मौत के फरिश्तों को दावत दी कि मैं जो हूँ कैंट स्टेशन के करीब होटल में ठहरा हूँ जिसके बाद कहते हैं कि एस एस पी जो उमरकोट हैं आसिफ बलोच ने अपने रीडर जो है सब इंस्पेक्टर सत्तार समूह की सरबराही में एक पुलिस पार्टी वहाँ भिजवाई और उन्हें वहाँ से पकड़ के उमरकोट लेकर आए इस शाम का वाक्य है वहाँ पर लेकर आए और लाने के बाद इससे पहले उम्र इसमें इनके वालिद को जो है वो हिरासत में लिया गया था कि बेटे को बरामद कराओ जब वो पकड़े गए तो उनके वालिद को रिहा कर दिया गया और वहीं से जो है वो आसिफ बलोच जो एस है उन्होंने अपने मिनिस्टर सरदार शाह को बता दिया कि भई मुलजिम हमने गिरफ्तार कर लिया है हमारी कस्टडी में है ये उन्होंने कहा और कहा कि हम इसे कल जो है वो कोर्ट में पेश करेंगे यानी कि गिरफ़्तारी हो चुकी है और उसको कल कोर्ट में पेश करेंगे कहा यह जा रहा है कि उन्हें लाया गया इसमें तलका उमरकोट के थाने में और वहाँ हवालात में उनको रखा गया है हैरत की बात यह कि उन्हें जो है घरवालों से मुलाकात करवाई गई मुलाकात से पहले उन्हें नलाया दुलाया गया है उनकी शेव कराई गई है उन्हें परफ्यूम लगाया गया है बिल्कुल ऐसा जब कोई इंसान मरता है तो मरने से पहले दफनाने से पहले जिस जैसे उसे मुर्दे को नुलाया जाता है खुशबू लगाई जाती है काफूर लगाया जाता है वो तमाम रस्म पूरी की जाती है यहाँ पर एक जिंदा इंसान डॉक्टर शाहनवाज को जो है वो गिरफ़्तारी के बाद उसको नलाया दुलाया उसके शेव बनाया गया परफ्यूम लगाया गया फिर उनके घर वालों से उसकी बारी बारी मुलाकात करवाई जैसे कि उसकी ज़िंदगी की ये आखिरी मुलाकात हूँ पुलिस वालों को मालूम हो कि अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा ऐसा दिया गया ख़ुद पुलिस की जानब से कभी किसी मुलजिम को गिरफ़्तार करने के बाद इस तरह से उसको नुलाया दुलाया खुशबू नहीं लगाया था लेकिन यहाँ पर कहता है कि ऐसा सब कुछ किया गया और उसके बाद रात को डेढ़ बजे जो है वो डीआईजी आई मीरपुर खास पुलिस जराये का कहना है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद जस्कानी ने कहा एसएसपी को भी कि ये मेरे पास इन्हें पेश करो मैं इसका जो है कुछ इससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ रात डेढ़ बजे यानी टू सी का मुकदमा है गुस्ताखी का मुकदमा है हमारे नबी पाक पाकल्म की शान में गुस्ताखी का मुकदमा है जिससे वो ला तल्लु का ऐलान कर चुके थे कि मेरे अकाउंट को किसी ने हैक किया और मिस यूज़ किया गया है और ये डॉक्टर शाहनवाज कंबर का अकाउंट नहीं है कोई डॉक्टर शा, कोई शाहनवाज़ शाह है तुम्हारा यह कि उनकी उस बयान को अहमियत नहीं दी गई और बाद में रात को डेढ़ बजे जो है वहाँ पर उन्हें उमरकोट से जो है मीरपुर खास पहुँचाया गया अब जरा का ये भी कहना है मीडिया रिपोर्ट्स और बहुत ही यानी किबिल कहते हैं कि डी आई जी ने तीनों डिस्ट्रिक्ट एस एस पी से पूछा कि भाई कौन ये काम सर अंजाम देगा कौन मेरे साथ जो है वो जन्नत जाना चाहता है इस गुस्ताख को जहन्नम वासिल करने की सूरत में आसिफ बलोच ने और दूसरे एस, एस एस पी ने जो है हाथ उठा लिए कि हम तो ये काम नहीं कर सकते जिसके बाद कहते हैं कि असद चौधरी ने जो है वो सीना चोड़ा करते हुए कहा कि मैं जन्नत जाने का ख्वाहिश हूँ जिसके बाद जो है ये बाकी जो भी वाक़ हुआ ये वाक़ा सब के सामने कि किस तरीके से हुआ किस तरीके से एक जाली पुलिस मुकाबला करवाया गया यानी मैंने इबिदाइय में कहा था कि पुलिस इसके अंदर जो है वो हमें एक फरीक बन चुकी है पुलिस ने अपना किरदार जो है वो पुलिस वाला जो है वो बेजरर वाला अदा नहीं किया कानून के तकाजे यहां पूरे नहीं किए गए वहां एक बंदा हवालात में है हवालात से उसे कोर्ट ले जाना चाहिए था कोर्ट ले जाके कोर्ट से उसकी रिमांड लेते उस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करते कोर्ट से उन्हें सज़ा दिलाते उनकी फांसी की सज़ा कोर्ट से हो सकती थी टू नाइन्टी फो फाइव में जो है ये सज़ा यही है हो जाती लेकिन पुलिस ने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जुनून में आके और उन्होंने जो वो दो नंबरियाँ आम मुलज़मों से करते हैं आम बेचारे शरीफ लोगों से करते हैं बैटरी बे, चोरों को बड़े बड़े डाकू ज़ाहिर करके जो है वो उन्हें कड़का देते हैं वही सूरत हाल का सामना जो है वो इस डॉक्टर शाहनवाज जो कि जहनी मरीज़ था ज़हनी मरीज़ जो है उस पर तो, तो बहुत सारी चीज़ें माफ़ हो जाती है उसका तो इलाज की ज़रूरत है लेकिन इस ज़हनी मरीज़ को जो है वो उन्होंने कोई मौका नहीं दिया और इससे आम इंसानों की तरह बल्कि दरिंदों की तरह से उनके साथ ट्रीट करके जो है वो उन्हें जाली पुलिस मुकाबले में उन्हें हलाक करके और बंगड़े डालते रह के उन्होंने जो है कोई बहुत बड़ा तारीख़ सास कारनामा सर अंजाम दिया है उन्होंने इस्लाम का नाम जो है बहुत बुलंद कर दिया है और इस्लाम को उन्होंने चार चाँद लगा दिए तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इस किस्म के इकदाम से इस्लाम की कोई नेकनामी होती है इस्लाम का को कोई चेहरा आप अच्छी तरीके से पूरी दुनिया में पेश करते हो या कि इस्लाम को आप नाकबले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हो आपके ये कारनामे जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बदतरीन मार्किटिंग का जो है वो नतीजा साबित होती है इस किस्म के इकदाम से जो है गुरेज करने की जरूरत है जो कि हमारे यहाँ के पुलिस वाले नहीं करते वो शास से ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो सस्ती शहरत के लिए जो है ड्रामा कर रहे हैं बात कर रहे हैं कोई बंदा ऐसी बात ही कोई नहीं है आसिफ रजा ने भी कुछ नहीं कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है

ख़ुद को बचाते हैं और कनी कतराते हुए इधर उधर हो जाते हैं यही हाल जो है सिम के वज़ी मुराद अली शाह का है किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है माँ सेवाए जो है वज़ी दाखिला ज़ियाल लंजार जो है वो आगे बढ़े उन्होंने ये आलम उठाया कि ये ज्यादती और ये नाानसाफ़ी जो है वो नहीं होने चाहिए और नासाफ़ी के जिम्मेवारों को उनको जो है वो निशान इबरत बनाने की ज़रूरत है यही वजह है कि आज उनके उस काविशों के नतीजे में जो है वो वफाक हुकूमत ने जो है वो दोनों यानी कि पहली बार जो है पी एस पी अफसरान जो है डी आई जी लेवल का ग्रेड बीस का अफसर जावेद जस्कानी और एक ग्रेड अट्ठारह के एस एस पी जो है वो खुद असद चौधरी उन दोनों के सस्पेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है अंदाज़ा लगाएं कि ये मामला कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है इनके नाम भी कहते हैं कि एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए ताकि ये मुल्क से बाहर फरार ना हो सके ये कहना है ख़ुद पुलिस के काबिल एतम जराए का जबकि डॉक्टर शाहनवास की लाश को आग लगाने वाले जो मुलजमान हैं जो दरिंदे हैं वो उमरकोट पुलिस ने कोई चालीस से ज्याद बुलवाइयों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके सरपरस्तों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो रही है और सबसे जो बड़ी बात है जो अहम बात है एफ आई ए साइबर क्राइम भी जो है वो इसमें हरकत में आ चुका है और अब ये मालूम किया जा रहा है कि खुद मकतूल डॉक्टर शाहनवाज का जो अकाउंट था फेसबुक का वो किसने हैक किया किसने उनके अकाउंट पर जो है ये वीडियो और ये तस्वीरें अपलोड की वो बंदा कौन है ज़ाहिर है वो बंदा जब सामने आएगा तो पूरी की पूरी साजिश जो है वो खुल के सामने आएगी कि साजिश में कौन लोग मुलविस और किन लोगों ने जो है ये मुकदमा एफ़ आई आर टू नाइनटी फाइव अपाउंट सी का सहारा लेकर जो है वो अपने मुखालिफ डॉक्टर शाहनवाज को जो है वो पुलिस और बुलवाइयों के हाथों तो जो है वो यानी कि मनतखी अंजाम तक पहुँचा कर उनका काम आसान कर दिया ना ये सुनिए खुद मकतूल की वालदा जो है वो क्या दुआइयाँ दे रही है उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन पुलिस वालों ने उनके लखते जिगर को जो है वो जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया खुद उनके बच्चे क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए हीअ मुंहिंजे डॉक्टर जा ॿार नियाणी आहे की टे मुंहिंजा पुटु ॾाढो पंज वक़्तु निमासी एतिरे ताईं तजिदगुज़ार मुंहिंजो पुटु हुओ बुरी सोहबत मुंहिंजो पुटु पेटु भरे मानी खां चवंदो मां न पेटु भरे मानी न खाईंदुसि त मूंखां इबादत कोन्ह थींदी थी। अहिड़ो मुंहिंजो नेक बचे खे बुरी नशे जी, जी सोहबत मिली उहो मुंहिंजे बचे जो अला सभु कैरियर खे तबाहु करे छॾियो इनो कतल लाश असांखे मीरपुर मां मिलियो उन बाबा खणा पे आयो गोठवारा तो उनके लाश के अचन ही न दियन न उनके जमीन के हवाले कर उनो पी उनके लाश के खोड़ रो डोड़ रो पूरा पं छह कलाक जमीन में दाखिल ही नोड़ी से पे जोरी बनी में दाखिल कराया उतर लाश फुराए पाई भाह जो अरे को मुसलमान थी न रे एड़ो को न सके नरे अड़ो को यहूदी ईसाई काफल नुल्म कर सके लोगे तो बेजान शेख सां ये दो जुलम करे या खुदा या खुदा ये दो मुंजो ये दो रुकियो ये दी दादी दादो मुंजे बच्चे सां बेहमती की लाशाइं हाने मुंजे हिना हाने हमने मुंजे ने इन जो को जुलम जो आज़ालो करेंगे डीआईसी में प्रकाश एसपी में प्रकाश एसपी उमर कॉर्ड एसएचएस

नदिन ये थी मकतूल डॉक्टर शाहनवाज की वालदा जो अपने बेटे की इस तरीके से हलाकत पर जो है वो वावेला कर रही है और यकीन उनकी फरियाद पर जो है वो सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत पहले ही मुतहरक हो चुकी है और पुलिस के इन जाली हिरोज़ के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करते हुए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अब उनके ख़िलाफ़ जो है अल्लाह के फजल करम से जो है वो इस जाली पुलिस मुकाबले का मुकदमा भी दर्ज होने जा रहा है जिसमें इन तमाम की जो है वो गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएगी जिसके बाद इनके बरतरफी का परवाना भी पहले से जो है वो तैयार रखा गया है कहा गया है कि इसमें किसी किस्म की सिफारिश को किसी किस्म की सियासी मुदाखलत को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि इस मुकदमे से जो है इस कार्रवाई से जो है जहाँ खुद आलम इस्लाम में जो है वो मुसलमानों की और खुद पाकिस्तान की जिस किस्म की जगह सई हुई है उसकी तो नज़ीर ढूँढने से भी नहीं मिलती इसलिए जो है इस किस्म के किरदारों को जो है वो निशानबरत जो है वो बनाने की ज़रूरत है इसी के साथ नाजी इजाज़ चाहता हूँ